ऑल राइट गाइस, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या VI 999M डोंगल में सभी सिम कार्ड चल जाती हैं, जियो VI BSNL या VI की बिलिंग वाली सिम, एंड इसके अलावा हमारे पास एयरटेल की नहीं है, तो अगर ये सभी सिम कार्ड इसमें चल गई तो एयरटेल की भी चल जाएगी। तो आज हम करेंगे इस वीडियो में यही टेस्ट एंड देखेंगे क्या ये सभी सिम कार्ड पोर्ट करती है ये वाली डोंगल, क्या आपको 1700-1800 रुपए वर्थ इट रहेंगे इस पर पे करने। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। तो यहाँ पर हमने VI की प्रीपेड सिम कार्ड इसमें लगा दी है जो हम नॉर्मली सिम कार्ड यूज करते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर VI की प्रीपेड सिम कार्ड चलना स्टार्ट हो चुकी है। तो छोटा सा यहाँ पर हम स्पीड टेस्ट भी कर लेते हैं एंड गो। तो यहाँ पर वोडाफोन आइडिया लिखा हुआ आ रहा है, मतलब जो हमारी डाटा कार्ड है वो प्रीपेड सिम कार्ड VI की बिना किसी प्रॉब्लम के यहाँ पर चला सकती है। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हो जो मेरा स्मार्टफोन है इसी डोंगल के साथ कनेक्ट है एंड यहाँ पर जो स्पीड टेस्ट है वो भी चल रहा है। तो मतलब इसका यही है कि VI की प्रीपेड सिम कार्ड VI की डोंगल में चल जाती है, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर अगेन आप स्पीड टेस्ट देख सकते हो, काफ़ी अच्छा यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है स्पीड का भी। तो मेन हमारा पर्पस यही है कि देखें कि इसमें सभी सिम कार्ड चल जाती है नहीं। तो अभी टर्न है VI की डोंगल के साथ जियो की सिम कार्ड का टेस्ट, तो देखते हैं VI की डोंगल में जियो की सिम कार्ड चल सकती है या नहीं। तो गाइस, यहाँ पर काफ़ी टाइम से VI की डोंगल सर्चिंग में लगी हुई है एंड जियो की सिम कार्ड यहाँ पर नेटवर्क कैच नहीं कर रही। तो अगर आपके पास जियो की प्रीपेड या फिर पोस्ट पेड सिम कार्ड है, दोनों ही सिम कार्ड इस डोंगल में नहीं चलने वाली। तो अभी हम BSNL के साथ भी देख लेते हैं 4G सिम कार्ड लगा के, क्या वो सिम कार्ड इस डोंगल में काम कर रही है या नहीं। तो जियो यहाँ पर काम नहीं करती। तो अगर आपके पास जियो की सिम कार्ड है तो भूल के भी ये डोंगल बाय मत करना। तो यहाँ पर हमने BSNL की सिम लगा दी है इस डाटा कार्ड में। तो अभी देखते हैं क्या इसमें BSNL की सिम चलती है या नहीं। तो इसको हम कर लेते हैं स्टार्ट अगेन। तो अगेन यहाँ पर गाइस BSNL की सिम भी जो नेटवर्क है वो कैच नहीं कर पा रही। तो मतलब इसका साफ यही है कि VI की सिम कार्ड में ना ही जियो की सिम चलती है एंड ना ही BSNL की। तो अगर आपके पास BSNL की 3G या फिर 4G कोई भी सिम कार्ड है तो वो इसमें नहीं चलने वाली। तो गाइस यहाँ पर मेरे पास एयरटेल की सिम कार्ड नहीं है, तो मैंने जियो की भी एंड BSNL दोनों की सिम कार्ड लगा के यहाँ पर देख ली है। तो दोनों का यहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहा, तो एयरटेल का भी नहीं आने वाला। तो इसका साफ मतलब यही निकलता है कि अगर आपके पास VI की सिम कार्ड है तो अगर आपकी लोकेशन पर VI की स्पीड अच्छी आती है तभी आप ये डोंगल बाय करना। अदरवाइज आपको अगर फ्री में भी ये डोंगल मिल रही है तो आप बाय मत करना, क्योंकि और सिम कार्ड यहाँ पर नहीं चलने वाली। तो लास्ट में हम देखेंगे कि VI की बिलिंग वाली सिम इस डोंगल में चल पाती है या नहीं। तो एक कंपनी दूसरी कंपनी की सिम कार्ड अपनी कंपनी की डोंगल में चलती हुई नहीं देख सकती, इसलिए यहाँ पर जो डोंगल है VI की, जियो की, BSNL की एंड एयरटेल की सिम कार्ड सपोर्ट नहीं करती। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो इस डोंगल में मैंने जब प्रीपेड सिम लगाई तब भी यहाँ पर चल पड़ी थी एंड पोस्टपेड सिम कार्ड भी यहाँ पर चल रही है। तो अगर आपकी लोकेशन पर VI की सिम कार्ड पर अच्छी स्पीड मिलती है तो यहाँ पर आप देख सकते हो हम कनेक्ट हो चुके हैं एंड स्पीड टेस्ट भी देख लेते हैं। तो हमारा ये भी कंपैरिजन हो जाएगा कि जो पोस्टपेड सिम कार्ड है उसमें हमें क्या स्पीड मिलती है एंड जो बिलिंग वाली सिम है उसमें हमें क्या स्पीड मिलती है, क्या दोनों में स्पीड सेम मिलती है या कम मिलती है, ज़्यादा मिलती है। तो गाइस आप देख सकते हो तो ऑलमोस्ट सिमिलर सी ही यहाँ पर स्पीड आ रही है, थोड़ी सी यहाँ पर 1-2 MBPS की स्पीड जो हमें एक्स्ट्रा मिल रही है पोस्ट पेड सिम कार्ड में। तो आज ये भी कंपैरिजन हो चुका है। तो इस पर एक मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, देखेंगे कि पोस्ट पेड एंड प्री पेड सिम कार्ड में कोई डिफरेंस होता है स्पीड में। तो उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना के इंडोर में आउटडोर में वो भी हम चेक कर लेंगे, क्या आपको पोस्ट पेड में ज़्यादा स्पीड मिलती है या फिर प्री पेड में मिलती है। तो उस पर भी एक कंपैरिजन वीडियो मैं बना दूंगा जल्दी ही। तो गाइज यहाँ पर स्पीड अच्छी आ रही है। तो गाइज मेन मोटिव जो हमारा पूरा हो चुका है, तो VI की ये डोंगल अगर आप बाय करने के बारे में सोच रहे हो तो डेफिनेटली आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा। तो गाइज VI की सिम के बिना कोई और सिम इस डोंगल में नहीं चलने वाली। तो इसका जो प्राइस है 1700-1800 के अप्रोक्स आपको मिल जाएगा। तो अगर आप बिनेटन डाटा कार्ड बाय करने के बारे में सोच रहे हो तो मैं उसको छोड़ के ये कहूँगा कि आप ये वाली बाय कर लो, सिर्फ उसी कंडीशन में अगर आपकी लोकेशन पर VI की सिम कार्ड पर अच्छी स्पीड आती है तब, अगर नहीं आती तब आप बिनेटन डाटा कार्ड के साथ जा सकते हो, अदरवाइज़ आपको ये डोंगल बाय करनी चाहिए क्योंकि ऑलमोस्ट हाफ प्राइस आ जाता है। तो अगर ये 1700 में मिल रही है आपको ऑनलाइन,
तो बिंटन डाटा कार्ड आपको 3400 रुपीज़ में मिलेगी अप्रॉक्सीमेटली। तो लिंक आपको सभी डोंगल का वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप चेकआउट जो कर सकते हो। अगर आपको बाय करनी हो तो आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो, काफ़ी अच्छी डोंगल है। तो नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाता है, क्या हम इसको अनलॉक कर सकते हैं, क्या इसमें हम सभी सिम कार्ड चला सकते हैं अनलॉक करने के बाद में, जियो, BSNL या फिर एयरटेल? तो गाइज़ मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप पहले VI की डाटा कार्ड बाय करो एंड उसके बाद इसको अनलॉक करने की कोशिश करो। तो स्टिल मुझे ये भी नहीं पता कि ये अनलॉक हो सकती है या नहीं, बट गाइज़ मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको बाय करो सिर्फ ये सोच के कि मैं बाद में इसको अनलॉक कर लूँगा। तो गाइज़ यहाँ पर हो सकता है ये अनलॉक हो जाए एंड ये भी पॉसिबल है कि आप इसको अनलॉक ना कर पाओ। मैंने YouTube पर काफ़ी वीडियो चेक करी हैं तो मुझे फिलहाल कोई भी वीडियो नहीं मिली जिसमें ये बताया गया हो कि आप इसको कैसे अनलॉक कर सकते हो। इन फ्यूचर हो सकता है कि इसका जो हमें पता चल जाए सोल्यूशन कि आप कैसे इसको अनलॉक कर सकते हो, बट स्टिल यहाँ पर कोई भी वीडियो नहीं है, कोई भी डाटा नहीं है इसके बारे में। तो गाइस यहाँ पर ऑलमोस्ट 1000 या फिर 1500 रुपये एक्स्ट्रा पे करके आप सेम डोंगल बाय कर सकते हो बिंटन डाटा कार्ड। तो ऑलमोस्ट आपको सेम डिज़ाइन सेम साइज के साथ डोंगल मिल जाएगी। तो जो बैटरी है यहाँ पर सिमिलर ही है जो VI की डाटा कार्ड में है, वही बिंटन डाटा कार्ड में है। एंड उसमें हमें एक प्लस पॉइंट ये मिल जाता है कि आप वहाँ पर VI, BSNL, जियो, एयरटेल कोई भी सिम कार्ड लगा के उसको चला सकते हो। उसमें हमें ये प्लस पॉइंट मिल जाता है कि अगर इन फ्यूचर आप शिफ्ट होते हो VI टू जियो, जियो टू एयरटेल या फिर एयरटेल टू BSNL, कोई भी सिम कार्ड पर आप शिफ्ट होते हो एंड जिसके भी प्राइस कम हो जाते हैं इन फ्यूचर 5G के बाद, उस पर अगर आप शिफ्ट होते हो तो वहां पर आपको एक फ्रीडम मिल जाता है, आप सिम कार्ड को चेंज करके इसमें लगा दो तो वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस उससे अच्छा है कि आप 1000 एक्स्ट्रा पे करके बिंटन डाटा कार्ड बाय करो इंस्टेड ऑफ VI। एंड गाइस मैंने VI के केयर सेंटर पर जाके इसका प्राइस पता किया है एंड 2000 के अप्रोक्स यहाँ पर VI की केयर सेंटर में ये डाटा कार्ड मिल रहा है एंड ऑनलाइन आपको काफी ज्यादा कम प्राइस में मिल जाता है। बट फिर भी एक बार आप केयर सेंटर में जाके आपकी लोकेशन पर पता कर सकते हो कितने में मिल रहा है, होते हो ऑनलाइन आपको ज़्यादा सस्ते में मिल जाएगा। तो आई होप कि मैंने इस वीडियो में सारे पॉइंट कवर करते होंगे, बट स्टिल अगर आपके दिल में कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, आपके कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर कर दूंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो जहाँ पर नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पीस आउट।